नमस्कार, मैं संजना, स्वागत है आप सभी का एशिया न्यूज इंडिया में। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा, माल्या और अबू सलेम समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों की आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते कई बड़े मामलों पर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि कोर्ट आज कुछ मामले में फैसला भी सुना सकता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर से अपना कामकाज शुरू करने जा रहा है। ऐसे में आज कई हाई प्रोफाइल मामलों पर सुनवाई होने की संभावना है। माना जा रहा है कि कोर्ट आज कुछ मामलों में अंतिम फैसला भी सुना सकता है। इस हफ्ते कई बड़े मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें से भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में एक आरोपी पी वरावर राव की जमानत याचिका का मामला, महाराष्ट्र में गठित नई शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार से जुड़े मामले, नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ हिंसा करने वालों पर यूपी में बुलडोजर की कार्यवाही का मामला, भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा का मामला और मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस 1993 के दोषी अबू सलेम की याचिका जैसे हाई प्रोफाइल मामले शामिल है। कहा जा रहा है कि अब मानना के मामले में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। साल 2017 में शीर्ष अदालत ने माल्या को अब मानना की दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि माल्या ने अदालत के आदेश का उल्लंघन कर अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर किया था और इसकी जानकारी छिपाई थी। विजय माल्या को अदालत से जानकारी छिपाने के लिए अवमानना के एक मामले में 9 मई 2017 को दोषी पाया गया था। विजय माल्या की सजा पर आएगा फैसला। अदालत ने माल्या को अपने बच्चों के अकाउंट में 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्योरो न देने पर आदेशों की अवमानना का दोषी पाया था। अदालत कई बार माल्या को अदालत में पेश होने के लिए कह चुका है। गौरतलब है कि अदालत ने 10 फरवरी को माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए 2 हफ्ते का आखिरी मौका दिया था। अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट आज अबू सलेम की इस याचिका पर भी फैसला सुनाएगी कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को घटाकर 25 साल कर दिया जाना चाहिए। सलेम की याचिका में आजीवन कारावास को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि साल 2002 में प्रत्यार्पण के समय भारत की ओर से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के मुताबिक उसे दी गई सजा 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। पी वरावर राव की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में एक आरोपी पी वरावर राव की याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिन्होंने मामले में चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत के लिए अर्जी को खारिज करने के बम्बई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। राव ने बम्बई हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश के खिलाफ वकील नुपुर शर्मा के जरिए दाखिल याचिका में कहा है, राव विचाराधीन कैदी के रूप में 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे हैं और वर्तमान में हाई कोर्ट द्वारा चिकित्सा आधार पर जमानत की अर्जी को खारिज करने के खिलाफ विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि आगे की कैद बढ़ती उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।